न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। भारतीय किसान संघ द्वारा जिले के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अनिश्चितकालीन धरना जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रारंभ किया गया। इनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी धरना जारी रहेगा। हजारों की संख्या में किसान पड़ाव डाले हुए हैं। हरिराम मांजू जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ बाड़मेर ने धरने को किया संबोधित। उनका कहना है कि खरीफ फसल बीमा 2018 का तुरंत भुगतान करें और खरीफ लोन का भी अभी तक वितरण नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि खरीफ बीमा की अवधि को 31 अगस्त तक की जावे। हमने पहले तहसील स्तर पर ज्ञापन दिए और धरने भी दिए। ये समय खेती करने का है, मगर जब सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो अब मजबूर होकर धरती पुत्रों को महापड़ाव करना पड़ रहा है। मगर हम धरती पुत्र आज दुखी हैं। यदि समय रहते हमारी मांगे नहीं मानी गईं तो हम महा आंदोलन भी कर सकते हैं। अभी तक किसानों की मांगे नहीं मानी गई हैं। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।